नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ फूल गोभी के जो डंठल है इसकी सब्जी बनाना बताऊंगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप एक बार बस इस रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा। तो रेसिपी देखिए, पसंद आए तो लाइक कॉमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया यहाँ पे एक बड़े साइज़ के आलू। आलू को पील करने के बाद हम ऐसे टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ पे लिया है आधा बैंगन। बैंगन को हम ऐसे बड़े टुकड़ों में काटेंगे। और यहाँ पे मैंने दो फूलगोभी के डंठल है, डंठल को हमने ऐसे पतले और छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमें काटना है। ऊपर के जो पार्ट है वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं, तो उसे हम नहीं लेंगे। बस जो कच्चा ये पत्ते होते हैं ना, इसे हम यूज़ करेंगे, जो कच्चे डंठल होते हैं। बस आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है ये खाने में। जो बड़े डंठल है उसे हम ऐसे दो टुकड़ों में काट लेंगे, और बीच में से एक इस तरीके से चीरा लगाएंगे, और फिर पतले हम इस तरीके से स्लाइस में काट लेंगे। देखिए, तो इसी तरीके से मैंने सभी डंठल काट लिया है। रोटी चावल आप किसी के साथ भी खाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसी तरीके से आप काट लीजिएगा। एक कढ़ाई में हम ले लेंगे पानी, और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। पानी जब हमारा हल्का गर्म हो जाए, हम डंठल जो गोभी के हैं वो डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम करके हम 2 से 3 मिनट के लिए हल्का बॉईल कर लेंगे। तो पैन को कवर कर देते हैं 3 मिनट के लिए। 3-4 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम में बॉईल कर लिया है। अब हम एक टोकरी में छान लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़े से उड़द दाल की बड़ी, और एक पैन ले लेंगे। पैन में हम डालेंगे तेल। तेल को पहले गर्म करेंगे। तेल जब गर्म हो जाए, हम बोड़ी डाल के 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, बस हल्का कलर चेंज हो जाने तक। बोड़ी डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा, और नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। बोड़ी का कलर जैसे ही हल्का चेंज हो जाए हम निकाल लेंगे। 2 चम्मच तेल डाल लेंगे पैन में। तेल जब गर्म हो जाए, 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, और डालेंगे 1 चम्मच 5 फोड़न। 5 फोड़न को हम पहले फ्राई करेंगे। 5 फोड़न जैसे अच्छे से फ्राई हो जाए, हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ के प्याज को पतले स्लाइस में काट के। 1 मिनट के लिए प्याज को बस हम फ्राई करेंगे। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे डाल देंगे कटे हुए आलू और बैंगन। आलू बैंगन प्याज को एक साथ हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे, जब तक अच्छे से कलर चेंज ना हो जाए। तो एक बार हम मिक्स करके गैस का फ्लेम लो करके ढक देंगे 3-4 मिनट के लिए। ढक के हम फ्राई करेंगे ताकि आलू हमारा जल्दी सॉफ्ट हो जाए। बीच बीच में खोल के आप एक दो बार चेक भी करते रहिएगा। तीन चार मिनट ढक के फ्राई कर लिया है, और आप देख सकते हो प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन डालने के बाद 1 मिनट और हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन डालने के बाद मैंने 30 सेकेंड भून लिया है। अब हम डालेंगे ड्राई मसाले। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर देंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, और थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे पानी। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के हम मसाले को 1 मिनट और भून लेंगे।
फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ये सब्जी एक बार बना के जरूर देखिएगा। रोटी चावल किसी के साथ भी खाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मसाले जैसे भून जाए आप देख सकते हो पूरी तरीके से ड्राई हो गया है और साइड से तेल अलग दिख रहा है। अब हम बॉईल किए हुए गोभी के डंठल डाल देंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। हमने बॉईल करते टाइम भी नमक डाला था। एक बार हम मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करके ढक देंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। तब तक डंठल मसाले के साथ अच्छे से हमारा भून जाएगा। एक मीडियम साइज के टमाटर को स्लाइस में काट के डालेंगे। एक बार मिक्स करके पैन को कवर कर देंगे हम। दो तीन मिनट के लिए गैस का फ्लेम लो रखेंगे। 2-3 मिनट के लिए ढक के अच्छे से भून लिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का पेस्ट। 2 चम्मच सरसों में 2 हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा पानी डाला और मिक्सी में डाल के पेस्ट बना लिया। एक बार हम मिक्स करके हम डालेंगे यहाँ पे 1 कप पानी। 2 हरी मिर्च के साथ मैंने सरसों को पीसा है। तीखा आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आपको पसंद हो। तो सरसों के पेस्ट डालने के बाद 1 मिनट मिक्स करते हुए और भून लिया है। डाल देंगे हम यहाँ पे करीब 1 कप पानी। एक बार मिक्स करके गैस का फ्लेम लो मीडियम करके हम ढक देंगे 5-6 मिनट के लिए, जब तक आलू अच्छे से हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। डाल देंगे हम फ्राई किए हुए बोड़ी। पाँच छः मिनट के लिए हम ढक देंगे। 6 से 7 मिनट हो गए। हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स करेंगे हम। सब्जी को हम खोल के 1 मिनट और ड्राई कर लेंगे। हल्का आलू बैंगन को मैश कर देंगे हम और ये सब्जी पूरी तरीके से सूखी अच्छी लगती है। तो गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। सब्जी जब पूरी तरीके से हमारा ड्राई हो जाए हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और डालेंगे हम यहाँ पे 1 चम्मच कच्चा सरसों का तेल। सिर्फ 1 चम्मच। एक बार हम मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए पैन को कवर करके रखेंगे, फिर हम सर्व करके आपको दिखाते हैं। ये कच्चा तेल डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आपको ना डालना हो तो आप ये वाला जो स्टेप है इसे स्किप कर सकते हो। तो पैन को कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद सब्जी को हम सर्व कर लेंगे 1 प्लेट में। और ये सब्जी देख के जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए ये खाने में भी आपको उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आपको आइडिया भी नहीं है कि ये सब्जी कितना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो सब्जी को हम सर्व कर लेंगे 1 प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। ये चावल के साथ खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर ट्राई करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।